हेलो फ्रेंड्स, आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हम ऑनलाइन पीजी कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आपको इस ट्यूटोरियल में सिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी .ac.in पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन होता है, तो आप इसको मोबाइल के द्वारा भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको क्विक लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही क्विक लिंक को क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्विक लिंक को क्लिक करने पे पूरे लिंक ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में जाते हैं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या निकला हुआ है। कॉलेज नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। कॉलेज नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद ये आपका पेज ओपन होगा। तो देखिए 1 दिसंबर 2020 यहाँ पर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के तहत प्रथम सेमेस्टर में या प्रथम ईयर में प्रवेश हेतु नोटिफिकेशन है, इसीलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 17-19-20 अधिसूचना जारी हुआ है आज ही, संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों तथा शासकीय इंजीनियरिंग विज्ञान स्वायत्त महाविद्यालय में। देखिए यहाँ पर डिटेल्स आपको दिया है, ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि 1 से यानी आज से है, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 10 तक दिया हुआ है, 10 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 11 पोर्टल मेरिट सूची करेगा 11 दिसंबर को, फिर चयन सूची महाविद्यालय द्वारा चयन सूची किए जाने की तिथि 11 को ही है, प्रवेश शुल्क जमा करना है आपको 16-12 तक। तो हम देखते हैं कि आप पीजी कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल से हो या आप कंप्यूटर से हो, कहीं से भी क्लिक करना चाहे तो यहाँ पर देखिएगा क्विक लिंक में थर्ड में एडमिशन 2020-2021 पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये विंडो ओपन होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच। तो आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस साल का, इस एडमिशन पोर्टल में हर एक साल का न्यू रजिस्ट्रेशन लगता है, तो इस साल में किसी भी कोर्स में आप प्रवेश ले रहे हैं तो इस रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए डिटेल्स को फिल करनी है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, इसमें हम स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिखते हैं। फिर पासवर्ड आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, अल्फाबेट और डिजिट के साथ में सेम पासवर्ड एक बार और। सेम पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद स्टूडेंट का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। हर एक स्टूडेंट का अपना एक ईमेल आईडी है, कहीं भी कोई भी ईमेल आईडी आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ना ही आप मोबाइल नंबर दोबारा यूज कर सकते हैं किसी अदर स्टूडेंट के लिए। तो सभी स्टूडेंट का कंपलसरी है उनका खुद का मोबाइल नंबर हो और ईमेल आईडी हो, डबल रिपीट नहीं होगा। ये डिटेल फिल करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए।
योर एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पर यूज़र आईडी बन गया आपका, मोबाइल नंबर, पासवर्ड ऑलरेडी आपने इंटर किया हुआ है। फिल योर एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स पूरी दी है, 50 रुपीज़ लगेगा शुल्क जमा करने का। यहाँ पर 50 रुपीज़ जमा करने के बाद आप कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिस्ट दिया हुआ रहता है। उसमें OTP जनरेट होगा, अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड भूलने के, अगर आपको पासवर्ड दोबारा चाहिए तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। ईमेल आईडी, इस तरीके का डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आई एग्री एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए PG कोर्स में, UTD कोर्स में ये सारे कोर्सेज का लिस्ट दिया हुआ है, जितने भी बिलासपुर यूनिवर्सिटी में PG कोर्स चल रहा है, चाहे कॉलेज का हो या उसका खुद का UTD का हो। उसके बाद यस रजिस्टर फॉर PG कोर्स पर क्लिक कीजिए। क्या आप सत्र 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी से पास आउट है? अगर कोई स्टूडेंट इस ईयर 2020 में पास ईयर है तो यस करना है, उससे पहले अगर कोई पास किया हुआ है तो उसको नो करना है। नो करने के बाद प्रोसेस विथ मैनुअल फॉर्म में क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर 2020 में पास आउट है तो कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। PG कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं जो उसके 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है। ट्वेंटी वन ईयर 22 डेज ओल्ड, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करते हैं। फिर कैटेगरीज, कैटेगरी ST ST OBC, OBC, फिर इसको नो, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, फाइनल ईयर डिटेल्स ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन, इससे पहले किस सब्जेक्ट से पास आउट है उसके बारे में डिटेल्स इसमें हम फिल करते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट साइंस है, आर्ट है, यहाँ पे कौन सी ईयर से पास आउट है उसके बारे में डिटेल फिल करते हैं। फिर परीक्षा परिणाम, पास है, फेल है, सप्लीमेंट्री है। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, यहाँ पर देखिए CG बोर्ड, अगर वो 12वीं 12th है, अटल बिहारी वाजपेयी, हिमाचल प्रदेश, बस्तर, पंडित रविशंकर, CSB2, CG स्टेट ओपन स्कूल, तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से पास आउट, अदर होने पे अदर को क्लिक करते हैं। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर जो फाइनल ईयर में उसका रोल नंबर है उसको हम एंट्री करते हैं। रोल नंबर के लिखने के बाद पूर्णांक, सभी सब्जेक्ट मिलाकर फाइनल ईयर में तीनों ईयर का टोटल करने के बाद कितने टोटल मार्क्स थे उसको एंटर करते हैं। फिर उसमें उसे कितना प्राप्त हुआ है उसके बारे में इसमें एंटर करते हैं। फिर देखिए PG कोर्स में रेगुलर में आप एडमिशन लाना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 40% होना कंपलसरी है। 40% कम होने से अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं, आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं होगा।
उसके बाद ये डिटेल, एकेडमिक डिटेल फिल करने के बाद अब सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आते हैं स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल। तो स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल हम एंट्री करते हैं जैसा फाइनल ईयर के मार्कशीट में दिया हुआ है उसके हिसाब से। ब्लड ग्रुप अगर स्टूडेंट का नॉलेज में है तो स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिखते हैं, नहीं होने पर खाली छोड़ते हैं इसको। स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं जिसको यूज करते हैं। यहाँ पर उसके पिताजी फादर नेम से एंट्री करते हैं जैसा मार्कशीट में दिया हुआ है। मदर नेम माता जी का नाम। फिर मैरिड होने पे मैरिड को क्लिक करना है, अनमैरिड होने पे अनमैरिड, रिलीजन्स, फिर स्टेट, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंट्री करते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट है। स्टूडेंट का आधार कार्ड के हिसाब से आप पूरा डिटेल पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। पिन कोड नंबर उस एड्रेस का पिन कोड नंबर फिल कर दीजिए आप। आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है आज के टाइम पे, तो स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर फिल करते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने पे यस कीजिए, अदर स्टेट का नो कीजिए। इंडियंस अल्पसंख्यक नो, विशेष क्रिटी नो। यहाँ पे स्थानीय अभिभावक अगर किसी पेरेंट्स के साथ पे मामा या किसी भी अदर फैमिली के साथ मेंबर के साथ रहता है तो उसके नाम उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे चाचे अंकल्स है ना, मामा, कोई भी रिलीजन। अगर किसी रिश्तेदार के घर रहने पे उनका एड्रेस यहाँ पर डिटेल्स एड्रेस के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर हमें 10th का रोल नंबर फिल करना है। फिर अगर किसी कॉलेज में एनसीसी या विशेष स्पोर्ट्स में लेना चाहते हैं तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा पेमेंट। तो पेमेंट आप एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद ही कॉलेज सेलेक्शन का ऑप्शन ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको 50 रुपीज चार्ज लगेगा, इसके लिए पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो HDFC बैंक पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिंक ओपन हो रहा है पेमेंट, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, अदर क्रेडिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग।
ये सारे माध्यम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अदर डेबिट कार्ड यूज करते हैं, कार्ड का नाम, एक्सपायरी डेट, सीवी कोड और कार्ड नेम। आप कार्ड का एंट्री करने के बाद आगे प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। डेबिट कार्ड एंट्री करने के बाद ओटीपी, ओटीपी के बाद पेमेंट, ओके होने के बाद देखिए पेमेंट डिटेल, पर्सनल डिटेल करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आते हैं हम कॉलेज सिलेक्शन में। तो कॉलेज सिलेक्शन में ही यहाँ पर देखिए इस पूरे फॉर्म को पढ़ सकते हैं। फॉर्म को पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट एन डिग्री, अप्लाई फॉर अदर कॉलेज कोर्सेज सब्जेक्ट। अब हमको कॉलेज में अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है, पीजी, हम फॉर एग्जांपल पीजीडीसी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीलिप, एलएलबी, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स, फूड एंड बेवरेजेस। यहाँ पर पंडित सुन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजी डिप्लोमा, प्राइवेट पे गवर्नमेंट, यहाँ पर जितने भी पीजीडीसी है उन कॉलेज का नाम शो होगा, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से है, इन सभी में आपको पीजीडीसी अवेलेबल है। प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन करनी है तो प्राइवेट को क्लिक कीजिए। प्राइवेट को क्लिक करने पर बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज का लिस्ट है वो सब आपको शो होगा। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया सिद्धार्थ कॉलेज, सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। पीजीडीसी में सभी सब्जेक्ट कंपलसरी है इसीलिए एग्री एंड सेव पर क्लिक करते हैं। फिर हमें न्यू सब्जेक्ट को क्लिक करना है, अप्लाई फॉर कॉलेज एंड कोर सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। फिर प्राइवेट, प्राइवेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे कॉलेज शो होगा। फॉर एग्जांपल आप कोरबा सेलेक्ट करते हैं तो कोरबा में कौन कौन से बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज का लिस्ट है ये आपको शो होगा। बिलासपुर को क्लिक करने पे बिलासपुर के अंतर्गत तो यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पर बिलासपुर यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज संचालित होता है। अब ये फॉर एग्जांपल इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं राजकौशल व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, उसके बाद गेट सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से कोर्सेज एंड लिस्ट देखने के बाद हम क्लिक करते हैं, गेट सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए फिर एग्री एंड सब्जेक्ट, एग्री एंड सेव पर क्लिक करते हैं इस तरीके से। अब ये दो कॉलेज में हमने फॉर्म भरा है, आप दो या दो से ज़्यादा कॉलेज में भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जिस कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है फॉर्म के लिए वहाँ पर इसको प्रिंट आउट निकालनी है, इस प्रिंट को उस कॉलेज का जमा करना है। ये प्रिंट निकालने के बाद उसमें आपका पासपोर्ट फोटो साइज अटैच करना है, नीचे में सिग्नेचर करना है। उसके बाद आप जिस कॉलेज में आपका नाम आता है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर ये फॉर्म को आप जमा कर सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट कैसे शो होगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं अपने मेरिट लिस्ट को, ये सारी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में